उसको मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगी या फिर बीच में भी कहीं पर भी डाल सकती हो बट वो देख के ना आप लोगों को सीरियसली बिलीव नहीं होगा कि इतना अफोर्डेबल कैसे हो सकता है कुछ मतलब इतनी, चीज, इतनी कैसे है? जल्दी से स्टार्ट लेट्स पहले है हमारा फ्रॉम ब्रांड इंडो स्ट्रीट ठीक है इसके जो एथनिक वेयर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं लाइक like, मैंने जब भी खरीदे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे ही लगे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बेकार लगा है ठीक है तो इसी का ये प्रिंटेड रेगुलर सिल्क कुर्ती शरारा एंड दुपट्टा सबसे पहले आप इसका प्रिंट देखो कितना ज्यादा सुंदर प्रिंट है लेकिन इसका प्रिंट मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा है बहुत ही सुंदर इस वर्क को रखा है बहुत ही सिंपल कुर्ती है एंड शॉर्ट कुर्ती है पूरी स्ट्रेट कुर्ती है एंड स्ट्रेपी स्लीव्स भी हुई है स्लीव्स पे ना इस तरह से सीक्वेंस का काम हो रखा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है ये चुभने वाला नहीं है क्योंकि बैक साइड से ना फैब्रिक लगा हुआ है तो ये चुभन इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रही है बैक साइड में इन्होंने ये जिप दी हुई है जिसको आप इजिली आराम से खोल के और फिर पहन सकते हो बट मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को बिना ओपन करें मैंने पहन लिया था इसको तो मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी ये बैक साइड से भी कुछ इस तरह की है एंड फ्रंट से इस तरह की है सी थ्रू ये बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है सिल्क का फैब्रिक है इसके साथ दिया हुआ ये शरारा जो कि फुली इलास्टिकेटेड है एंड इस पे भी पूरा इस तरह से प्रिंट हो रखा है एंड काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड नीचे से इसका जो फ्लेयर है ये इतना बड़ा फ्लेयर है तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह के शरारा जो होते हैं ना शरारा सेट जो होते हैं ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी कुर्ती जो होती है वो शॉर्ट होती है और इस तरह के शरारा होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा हैवी भी, भी नहीं है अगर आप लोगों को हैवी कुछ नहीं पहनना ना तो आप इस तरह की चीजें पहन सकते हो इसके साथ दुपट्टा भी दिया हुआ है काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड बिल्कुल प्लेन है सिर्फ इसके लास्ट में ना बॉर्डर पे इस तरह से वर्क हो रखा है ये पूरा फैब्रिक लगा हुआ है एंड गोल्डन कलर की एग्जैक्ट लेस लगी हुई है काफी अच्छी खासी लेंथ है इसकी भी तो ये मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा इसका 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 जो प्राइस 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 है, है, थोड़ा बढ़ गया है, इसका हो गया हो जबकि मैंने इसको लिया था थर्टीन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज में ऐसे कैसे हो गया ओके मुझे ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का डिस्काउंट मिला था सेल पर ओ गॉड एंड अभी भी ना मिंत्रा की सेल चल रही है तो हो सकता है कि इसका प्राइस ना घट भी जाए ठीक है जरूरी नहीं है कि यही प्राइस मिले आपको हो सकता है कि प्राइस कम प्राइस में भी मिले तो आप बाद में भी ले सकते हो उसको लेकिन ये बहुत सुंदर कुर्ती है चार हजार की हो गई बट ये चार हजार में अगर आपको मिल रही है ना तो मैं बोलूंगी कि मत लेना जब तक आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है और आप इतना महंगा खरीदने में कंफर्टेबल हो तो ही लेना नेक्स्ट है एथनिक एम्ब्रॉयडर्ड टॉप विथ प्लाजो ये पूरा एक कॉर्ड सेट टाइप का है ये है इसका टॉप मैंने इसको मंगवाया था नवरात्रि के टाइम पे और मैं उस टाइम पे वीडियो बनाना इसकी भूल गई थी लेकिन ये नवरात्रि के टाइम पे आया था और इतना प्यारा लग रहा है ना इसका वर्क मुझे था कि आ, मैं पहन के जाऊँ इसे इसके साथ ना मैंने जो ज्वेलरी मंगवाई थी ना वो बहुत ज्यादा लेट आई थी इसलिए मैं इसको नहीं पहन पाई थी लेकिन ये बहुत ज्यादा सुंदर है पूरा ऐसे वर्क हो रखा है, है, है।, तो अच्छा है साइड में बहुत अच्छा है लेकिन इसकी जो बैक है ना ये कुछ इस तरह की बैक है अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हो बाकी साइज वगैरह में कोई इश्यू नहीं हुआ एंड ये है इसके साथ ग्रीन कलर का प्लाजो हाफ है इस पे ही एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस का वर्क हो रखा है एंड पीछे से ये इलास्टिक है एंड ये है इसका फिट एंड ये नीचे से पूरा ऐसे फ्रिल टाइप का बनाया हुआ है तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है जॉर्जेट का कपड़ा है एंड इसके नीचे लाइनिंग भी लगी हुई है लाइनिंग भी बहुत अच्छी खासी लाइनिंग है ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती वाली लाइनिंग है बहुत अच्छी खासी लाइनिंग लगी हुई है एंड काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा है ये कलर एंड इसको अगर बहुत अच्छे से पहन के अगर बहुत अच्छे से स्टाइल करोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा ये इसका भी रिसेंट प्राइस है थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रूपीज एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे उस हिसाब से नेक्स्ट है हमारा सांग्रिया ब्रांड से ठीक है इसके भी मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है पहले भी बांधनी प्रिंटेड कुर्ता आ, विद दुपट्टा ये है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बांधनी कुर्ता सेट जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है कलर भी मुझे काफी प्यारा लग रहा है शोल्डर स्टेप दिए हुए हैं एडजस्ट भी कर सकते हो आप आराम से क्वालिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी बांधनी प्रिंट तो आई थिंक सबका ही फेवरेट होता है ज्यादातर ट्राउज़र एंड ये हाफ लास्टिकेटेड है। इसपे भी पूरा ऐसे ही वर्क रखा है पूरे में ये है इसका फिट लेकिन इसके साथ ना लिखा हुआ है कि इसमें दुपट्टा भी आएगा एंड बहुत ही प्यारा सुंदर सा बांधनी दुपट्टा है लेकिन वो दुपट्टा मुझे आया ही नहीं है मतलब मुझे मिला ही नहीं है मैं हर जगह मैंने देख लिया लेकिन नहीं मुझे नहीं मिला तो अभी मुझे रिटर्न करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बिकॉज कि मिंत्रा में ऐसे मिसिंग प्रोडक्ट मिसिंग है ऐसा वाला कोई ऑप्शन होता नहीं है एंड मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे मिंत्रा से कोई चीज़ ऐसे मतलब मिसिंग आई हो मतलब दुपट्टा मिसिंग है ऐसे कभी हुआ ही नहीं है कि आधी अधूरी चीजें आई हो मिंत्रा से या कुछ वैसे खराब आया हो कभी नहीं हुआ ऐसे कभी भी नहीं ये फर्स्ट टाइम हुआ मुझे लग रहा है कि यार मैं कैसे रिटर्न करूंगी वो जब मैंने लिया था ये 2000 का था और अभी इसका थर्टी नाइन रुपीज तो टू थाउजेंड में मैंने ये लिया है एंड इसके साथ दुपट्टा ही नहीं है तो मुझे नहीं पता मैं इसको रिटर्न भी कैसे करूँ आई डोंट नो रिटर्न होगा नहीं होगा वो मुझे बात बात करनी पड़ेगी मिंत्रा पे बट हो तो जाना चाहिए बट आई डोंट नो मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया नहीं है इस चीज का अगर जो भी होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगी नेक्स्ट है जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है ये पूरे में ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और ये है फ्रॉम ब्रांड इंडो एरा एंड पूरे में इसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है थ्रेड का वर्क हो रखा है काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है पूरा ऐसे सूट एंड सलवार दिया हुआ है एंड इसके साथ दुपट्टा भी दिया हुआ है देखने में जितना प्यारा है ना उतना पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड ये जो वर्क हो रखा है इसका थ्री फोर्थ स्लीव दी हुई है बीच बीच में इस तरह से वर्क हो है और इसका वर्क देख सकते हो बहुत ज्यादा सुंदर है पूरे में ऐसे थ्रेड का वर्क हो रखा है एंड बहुत ही छोटे छोटे से सीक्वेंस लगाए रखे हैं इसमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा है वी नेक दिया हुआ है जो कि मेरा फेवरेट है एंड इसका जो फैब्रिक है वो रेयन का फैब्रिक है पूरा ब्लैक कलर का है आई नो फेस्टिवल पे लोग ब्लैक कलर नहीं पहनना पसंद करते हैं बट स्टिल uh, कुछ लोग ऐसे भी हैं ब्लैक पहनना पसंद करते हैं इसलिए मैंने ये भी कलेक्शन में रखा ठीक हाँ है इसके साथ इसकी सलवार ये हाफ इलास्टिकेटेड है इसकी स्ट्रिंग्स भी दी हुई है बंद करने के लिए ये है इसका पूरा फिट नीचे से ना इसे बेलून टाइप की है तो आई डोंट नो मैं ऐसे एक्सप्लेन कैसे करूँ जैसे वो बिशप स्लीव्स होती है ना ये थोड़ा उस टाइप की है तो ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है एंड इसके जो ये वर्क है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी रियॉन का फैब्रिक है साथ ही इसका दिया है ये वाला दुपट्टा ये बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा ये पूरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसका जो फ्लोरल वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड पूरे में ऐसे सीक्वेंस वाले वर्क हो रखे है इसके बॉर्डर में कुछ इस तरह का वर्क हो रखा है पहनने के बाद भी बहुत ही सिंपल सोबर सा और बहुत ही अच्छा लग रहा है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो इसका रिसेंट प्राइस है सेवनटी हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज साइज स्मॉल साइज में एंड मैंने जब इसको लिया था वो सेवन सेवेंटी हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज ही था तो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा

बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से इससे स्टाइलिश लगो तो आप ये पहन सकते हो ये काफी ज्यादा अच्छा था एंड इसके साथ जूलरी वगैरह भी आप कैरी कर सकते हो मैंने इतना ज्यादा करके देखा नहीं था मैंने इसकी जिप वगैरह भी लगी हुई है बट मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी इसको ओपन करने की ये मुझे ऐसे ही नॉर्मली आ गया था अति इसके साथ दिया हुआ ये प्लाजो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये एंड इसमें भी पूरा सेम प्रिंट है इसका जो प्लाज़ो है ना ये थोड़ा सा हेवी प्लाज़ो है जो फ्लेयर है वो देख रहे हो आप बहुत ज्यादा बड़ा फ्लेयर है एंड फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है मेंशन किया हुआ है कि पॉकेट्स वगैरह भी दी हुई है लेकिन इसमें कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं दी हुई है तो uh, सिर्फ पॉकेट्स नहीं है बट इट्स ओके चलता है मुझे तो ये इसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे साइज भी बहुत ज्यादा परफेक्ट आ गया था स्मॉल साइज में मैंने लिया था स्मॉल साइज भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे हंड्रेड नाइन्टी सिक्स रुपीज जो की काफी ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ वाला जिसकी मैं बात करी थी जो मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और बहुत ज्यादा सुंदर लगा है ठीक है ये है प्रिंटेड रेडी टू वेयर लहंगा एंड ब्लाउज विद दुपट्टा ठीक है तो ये है हाउस ऑफ जमोती आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूं या नहीं बट इसका ब्लाउज देखते ही मुझे ऐसा लगा यार मतलब मुझे लगा था कि ज्यादातर इसका लगा था कि ब्लाउज का ना सिर्फ फैब्रिक आएगा लेकिन ये पूरा सिला सिलाया ब्लाउज मिल रहा है इतना सुंदर ब्लाउज इसके साथ मिला है ठीक है ये पूरा ब्लाउज है वी नेक दिया हुआ है इसका नेक और बैक देखो पूरी वी नेक है काफी ज्यादा सुंदर लग रही है पूरे में ऐसे बांधनी प्रिंट हो रखा है ये वाली लेस वाली डिटेलिंग भी मुझे काफी ज्यादा सुंदर लग रही है एंड बैक साइड में ना यहाँ पे हुक लगे हुए हैं तीन हुक तो आम, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी आई थिंक हुक खोलने की बट फिर भी ये मुझे आ गया था ढंग से इस वाला पैटर्न भी मुझे काफी ज्यादा ज्यादा अच्छा आप ट्राई ऑन में देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये है इसके साथ पूरा लहंगा पूरा रेडी टू वेयर लहंगा है कितना ज्यादा अच्छा खासा फ्लेयर है इसका ओ माई गॉड ये बहुत सुंदर है भाई इसमें नीचे की जो Uh, ये है ना लेस वाली डिटेलिंग भी है ना ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है एंड इसका कलर एंड प्रिंट देखो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये ना जॉर्जेट का कपड़ा है ठीक है ये वो वाला जॉर्जेट नहीं है ये बहुत अच्छा वाला जॉर्जेट है ये आप पास से देख सकते हो अच्छा वाला जॉर्जेट इन्होंने यूज किया है बहुत ही लाइट वेट है एंड और... इसका जो फ्लेयर है ना वो इतना सुंदर फ्लेयर है एंड ये स्ट्रिंग भी दी हुई है इन्होंने साइड में इसमें चेन भी दी हुई है साथ में इसकी ये स्ट्रिंग भी लगाई हुई है काफी ज्यादा सुंदर लग रही है मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना अच्छा आएगा बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड नीचे इन्होंने ना कैनकेन वाला वर्क भी नहीं किया हुआ है ये लगा हुआ है बुकरम लगी हुई है और ये लाइनिंग है नीचे की उसका भी फ्लेयर काफी अच्छा खासा है पहनने के बाद बहुत ही लाइट वेटेड है ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजीब लग रहा है इसके साथ दुपट्टे की बात कर लेते हैं इसके नीचे ना आप जुतियाँ पहन सकते हो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी एंड ये है इसका दुपट्टा काफी अच्छा और प्यारा दुपट्टा है सेम कलर है तीनों का सेम कलर है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है ये इसका दुपट्टा है पूरी ऐसे लेस वाली डिटेलिंग की हुई है बॉर्डर में काफी ज्यादा अच्छा लग ये इसकी इतनी चौड़ाई है और इसकी लेंथ काफी अच्छी खासी लेंथ दी हुई है इसका रिसेंट प्राइस है टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपीज इससे पहले ये और ज्यादा बढ़ जाए अभी ले लो अगर पसंद आ रहा है तो रेडी टू वेयर है इसमें ना आपको कोई स्टिचिंग करानी है ना कुछ कराना है कुछ भी नहीं कराना है ठीक है तो अगर पसंद आ रहा है अभी ले लो इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और लोले प्राइस भी बढ़ जाए तो सेल तो से चल रही है बट स्टिल कोई भरोसा नहीं होता लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक ही लिंक होगा उसको क्लिक करना आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे और जिसका नहीं मिले समझ जाना आउट ऑफ स्टॉक हो गया ठीक है एंड uh, इसका जो साइज दिया था मैंने लिया था स्मॉल साइज लिया था तब सेल चल रही थी मुझे दो हजार में मिल गया था ये तो <laughs> नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट भी है हमारा कुर्ती शरारा तो ये भी बहुत सुंदर सा। अभी तक मैंने खोला भी नहीं है और ट्राई भी नहीं करके देखा है तो ये मुझे लग रहा है ज्यादातर ना ये वैसा ही होगा जैसे मैंने पहले वाला जो फर्स्ट वाला शरारा था ना ये सेम मुझे वैसा ही लग रहा है वो वाला सिल्क का था ये वाला कॉटन का है एंड इसका भी कलर जो है ना वो पिंक कलर है काफी प्रिटी सा कॉटन का आ, कुर्ता दिया हुआ है स्ट्रेट कुर्ती है शॉर्ट कुर्ती है काफी ज्यादा एंड ये प्रिंट हो रखा है पूरे में पिंक कलर की कुर्ती है वाइट कलर का प्रिंट हो रखा है एंड ये है इसकी स्लीव स्लीवस पे ना ये से स्ट्रिंग बांधने के लिए दी हुई है काफी ज्यादा प्यारी सी स्ट्रिंग है यार ये और इस पे ऐसे टेसल वाला वर्क हो रखा है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा है थ्रेड से एंड ये है लाइट पिंक कलर में इसका शरारा सेट एंड ये फुली इलास्टिकेटेड है एंड नीचे से ये इसका फ्लेयर इस तरह का फ्लेयर है तो काफी अच्छा लग रहा है ये भी दिखने में क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है एंड फिट मुझे लगता है परफेक्ट आएगा बिकॉज because... जो फर्स्ट वाला है सेम उसके जैसा ही है ये भी ये दिया हुआ है इसके साथ ये दुपट्टा शिफोन का दुपट्टा है पूरा प्लेन दुपट्टा है इसके कॉर्नर में ये जिक्सैक्ट वाली लेस लगी हुई है सिल्वर कलर की तो ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है आई थिंक ये पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है इसका साइज मैंने लिया था मीडियम साइज तो मुझे नहीं पता साइज मुझे परफेक्ट आया है या नहीं आया जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी ठीक है मीडियम साइज में मैंने लिया था इसका प्राइस है फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ही सिंपल सोबर सा है एंड कॉटन का है तो बहुत ही ईजी हो जाता है कैरी करना तो यस आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया बिकॉज़ फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है बेफालतू की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती हूँ एंड मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कम बोलना चाहिए जो मैं कोशिश करती हूँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें कट कर देती हूँ आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूले एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर लव यू बाई